गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया ओपी एंड दैट इज व्हाट ऑरेंज रॉक डिड दे ऑब्लिटरेटेड एवरीथिंग गॉड लाइक के प्लेयर्स भी बचे हस्तर और स्मोकी बट ऑरेंज रॉक मैन एडवांटेज बहुत अच्छा गेम एडवांटेज बहुत अच्छा है और जी खुद को बचाना चाहेंगे बट मुश्किलें बन जाएंगी क्योंकि आगे उनको ओपन में आना ही है। यहां पर किल हस्तर को भी पिक ऑफ कर रहे हैं एंड फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। किल के पास 5 किल्स है और साथ के साथ ब्रेक को भी स्पॉट किया ऑलमोस्ट प्लेस ऑन टेक्स ऑन नोवा के स्मोकी एज वेल एंड अब बचती है 3 टीमें उसमें ऑरेंज रॉक है उसमें बॉक्स गेमिंग है और आर आर क्यू का एक तो बट स्कोर काफी आगे आ चुके थे मुश्किलें उनके लिए हो सकती है अर्ली टेक्स हिम डाउन एंड फिनिशेस हिम साइड बाय साइड बट with that it's going to be the end for RRQ as well. Orange Rock versus Box, the damage was done. Kya Orange Rock yahan par pehla chicken dinner nikalne ki Indian teams ki taraf se dekhna padega kyunki Veeru taiyar hai sports is the one. This is Orange Rock for you guys. Bahut behtareen tarike se India OP and that is what Orange Rock did. They obliterated everything. करना कितना इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के लिए दिक्कत है चालू क्योंकि नियो को नॉक और फिनिश किया गया टीम सीक्रेट के प्लेयर्स द्वारा तो वहाँ पे हासियंदा दिल पे थ्रोन की भी लड़ाई चालू हो चुकी है बिल्कुल एंड वहाँ पे जोनाथन भी पूरे फिनिश हो चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फाइट चल रही है ये सैन मार्टिन की सिटी के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोग जैसे T1 और यहाँ पे वेल दोस द मर्डरर्स यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे उनकी फाइट जरूर बट यहाँ पे टीम सीक्रेट जरूर यहाँ पे ये वाली फाइट निकालना चाहेगी बिकॉज दो प्लेयर से मात्र बचे बट ये दो मात्र प्लेयर अपनी जो प्लेयर्स थे उनका यहाँ पे रिवेंज निकालना चाहेंगे। एक यहाँ पे बहुत बड़ी भी दूसरा प्लेयर भी नॉक उसी के चलते दिस इज 2 vs 2 बट यहाँ पे जी गॉड को नॉकडाउन करेगा। पीछे से ट्रेड आया था दो प्लेयर अभी थे वहां पे बट क्लच गॉड ये प्लेयर एक सर्वाइवल जरूर है बट यहाँ पे फुटस्टेप आ चुके जरूर यहाँ पे फ्री फायर के चलते यहाँ पे यू हाई को अच्छा खासा डैमेज उन्होंने दे दिया वापस एक फ्री फायर डालेंगे यहाँ पे S12K का यहाँ पे मेटा दिखाते हुए क्लच गॉड रीलोड में जाएगी उनकी गन बट ऊपर से अभी भी ट्राई करी शॉर्ट गन की फाइट यहाँ पे चलती हुई देखते हैं किसकी बुलेट यहाँ पे पहले कनेक्ट होगी एंड वो 12 गॉज जो एक एमोनेशन होती है यहाँ पे शॉर्ट गन की वो अगर ज्यादा क्लोज रहता है तो ज्यादा डैमेज पड़ता है बट यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस उसके चलते यहाँ पे क्लच गॉड थोड़ा सा यू नो अब उनको टाइम देना नहीं चाहिए बिकॉज उनको पता है कि चारों प्लेयर रिवाइव हो गए तो दिक्कत आता है बट उनके भी प्लेयर को वो रिवाइव दे सकते हैं। अब वो 2 vs 4 वापस बना सकते हैं यहाँ पे क्लच गॉड ने आई शॉट को लगाया 1 vs 4 एंड ये जो फाइट थी जी गॉड ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपनिंग निकाली हार नहीं मानी एंड यहाँ पे TSMAT ने 2 vs 4 करके निकाले दैट वाज अ ब्रिलियंट वन एंड इंडियन फैंस मस्ट बी शाउटिंग एंड जंपिंग ऑन देयर होम। जी हाँ अभी सबके सब बहुत क्लच गॉड ने क्या कर दिया भाई तुमने नहीं देखा क्लच गॉड का 1v4 भाई तुम क्या ही कर रहे हो भाई क्लच गॉड का कल 1v4 हुआ था भाई टीएस के अगेंस्ट एक्चुअली वो पहले 2v4 था गोड डाउन और गोड ने डो डाउन किया वो दोनों रेव हो गए क्लच गॉड ने चारों मार दिए क्लच गॉड हैड 4 किल्स इन दैट एनकाउंटर दैट वाज ऑसम। और रही बात गोड ने क्या किया गोड ने BTR की लेनी कर दी अकेले ने BTR की लेनी कर दी भाई स्कैम ब्रो लेकर जाता है लेकिन यहां पर है ब्रिज कैंप। हमें पता है जोनाथन ब्रिज कैंप में क्या करते हैं हमने उनसे 1v4 देखा लेकिन ऑरेंज रॉक के गिल वहां पर पिक ऑफ हो जाते हैं टीम सीक्रेट के यूआई के द्वारा लेकिन अब टीएसएम एंट्री आई थिंक दे आर टेकिंग हायर रोड यहां पर फाइट्स के लिए। नियो आगे की तरफ को जा रहे हैं स्पॉट किया जा चुका है बिगट्रॉन के प्लेस के द्वारा उनको एंड बगी की आवाज भी आ गई होगी लेकिन टीएसएम एंट्री चार्ज कर रही है यहां पर लेकिन जोनाथन डाउन हो जाते हैं लक्सी के द्वारा पहला नॉक यहां पर देखने को मिलता है बिगट्रॉन के खाते से। नियो की भी हेल्थ थोड़ी सी कम है बट बिगट्रॉन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड लक्सी ने वहां पर सीगॉड को भी डाउन कर दिया नियो की मैचेस देखा जो हुए थे देखो हम सेकंड पे चल रहे थे वो टाइम पे पिंग कितना था मैं गाइस 80 कांस्टेंट भाई हम सोचे चलो 80 भी आ जाएगा चलो भाई खेल लेंगे कोई ना कोई भाई इधर तो 240 230 210 ऐसा भाई फ्लक्चुएट 200 के नीचे आ रहा ही नहीं हम लोग का पिंग अभी देखते हैं ब्रो चील करो ब्रो मारेंगे ब्रो वो तो है मारेंगे तो सही पहला मैच ही हुआ ब्रो अभी तो बहुत मैचेस बाकी
रितु सिर्फ ये टॉप 16 होगी ना इसमें से 20 में से क्लच गॉड, एक क्लच गॉड 20 में से 16 होगी ना इसके लिए क्या होगी, 20 में से 16 होगी ना आई गेस, हाँ 20 में से 16 टीम्स होगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मॉर्टल हाय निर्मल रेडी, अमिताभ बच्चन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, जसमीत सिंह यस मुझे पता चला, हार्ट बे, अरे आई हर्ड अबाउट सो मेनी पीपल बट बाय भारी भाई कॉन्ग्रेट्स ऑन द डोमिनेशन पावर, डोमिनेशन नहीं है जब शुरुआत है, सीख रहे चल रहे हैं, न्यू टीम है, हो जाएगा। अजय डोंट डू सो बजट बट यू वे टू ओपिनियन, थैंक यू सो मच अजय। नहीं भाई मैं आज ओपिनियन, आज गिल बहुत सेक्सी खेला आज, खासकर वीरू गिल मावी। यार मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि भले टूर्नामेंट में कुछ भी रिजल्ट आए बट ये टूर्नामेंट के बाद ये टूर्नामेंट एक टीम खड़ी कर देगी आपके सामने, ये मैं आपको बोलता हूँ बस, ये टूर्नामेंट आपके लिए एक बहुत अच्छी टीम खड़ी करके देगी। ट्रॉफी वार लेगी भाई, बीटर एक्सेप्शनली अच्छा खेल रही है, उनको बीट करना बहुत टफ है, करेंगे हम लोग पूरी जान, टफ करने का टारगेट ही वही बीटर को बीट करना है। बीटर एक्सेप्शनली अच्छी खेल रही है भाई, दिल खुश कर जाएंगे। सूरज प्रधान भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज भाई तुम्हारे भाई बाल कटवा, ऑडियंस के बीच में झगड़े होते हैं, प्लेयर्स के बीच में रिलेशन अच्छा रहता है ना भाई। बीटर वाले अपने यार देखो, बीटर वाले को मैं कब से जानता हूँ, बीटर वाले को जानता हूँ जब मैं गेम पबजी चल गया, हम लोग साथ में खेले, उन लोग आज उधर है हम लोग इधर है, साथ में खेल के उन लोग कितने ज़्यादा ग्रोथ हुआ है समझ रहे हो। मैं मीडिया वाले को देखा हूँ यार, उनको पर्सनली कोई ग्रेज नहीं तो अपने को क्यों रखना है। ऑडियंस यार ऑडियंस झगड़ती ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे को तीखा खा लिया मैंने बहुत ज़्यादा यार। ओपी तभी लगे, अब ओपी के जो बोल रहा हूँ ओपी तब लगेगा पीएमडब्ल्यूएल के बाद, अगर परफॉर्म किया अच्छे से, जो करूँगा मैं कोशिश करूँगा पूरी, परफॉर्मेंस अच्छी रही पहले से बेटर, पहले वाले स्काउट से बेटर परफॉर्मेंस रही तभी ही ओपी लगेगा, तब तक ओपी नहीं लगेगा जब तक आप लोगों को लगे ना कि ये कुछ अलग लेवल का प्लेयर है इंटरनेशनल में। ठीक है भाई चलो रैंडम खेलते हैं। व्यू को हटाओ, दलजीत को लाओ, हाँ यही गाइस ऐसा कुछ हो सकता है, ये देखो ये आपको गेस करना है कि आज क्या होने वाला है। ये क्या कहते हैं उसको, कहते हैं मिस्ट्री, नाइस पहनाओ डाइपर पहनाओ। आई एनडी सेल्स और मेगास्टार लोगों का अनाउंस तो 120 पिंग आ रहा था तुम्हारा, 300 क्यों भाई, पहले मैच में 120 रहा पिंग, विकेंडी के मैच में गांडी फट गई 300 पिंग, लास्ट मैच में तो के मैच में 250 के करीब था और लास्ट के एंगल में फिर ठीक था पिंग, मतलब 130-140 था लेकिन ठीक नहीं था, 130-140 था लेकिन ठीक नहीं था। हो गए पड़ोसी के साथ यहाँ पे BTR वर्सेस ऑरेंज रॉक, दो बड़ी टीम्स दो अलग अलग रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया वर्सेस साउथ एशियन टीम्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 3-4 का सिचुएशन, प्लेयर्स यहाँ पे स्पॉट जरूर कर रखे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने बट यहाँ पे राइजन ये लोग भी अपने हाथ से इतनी आसानी से गेम यहाँ पे जाने देंगे। लक्सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पीक करके हार्ड पीक यहाँ पे उन्होंने ले रखा जस्ट इन केस वहाँ पे अगर कोई प्लेयर ऊपर आता है तो, बट लक्सी यहाँ पे प्रोन करके एक प्लान डालने की कोशिश कर रहे थे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी के ऊपर, एक ग्रेनेड आया उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा बट उसी के चलते लक्सी नॉक डाउन करेंगे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी को, गिल यहां पे उनके पीछे आते हुए स्काउट पूरे फिनिश हो गए बट एक चीज माइक्रो बॉय इज सेइंग हेलो फ्रॉम द राइट साइड एंड वो एक फ्लाइंग यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाइंग।